दोस्तों कुछ ही दिन पहले हमने रिव्यू किया था i3 8100 यानी i3 8th generation के प्रोसेसर को। दोस्तों रिव्यू करने के बाद अब हमने सोचा क्यों ना इसे कंपेयर किया जाए 6th generation के i3 से और 7th generation के i3 से। दोस्तों ये एक सिर्फ फन टेस्ट है ताकि इससे आपको ये पता चल सके कि जनरेशन जब चेंज होती है तो कितना ज्यादा परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने को मिलता है। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों अगर आपने अभी तक i3 8th generation का रिव्यू नहीं देखा तो दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं उसका रिव्यू और अनबॉक्सिंग जो हमने अभी बस रिसेंटली ही किया है। बेंचमार्किंग स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी प्रोसेसर लिए हैं उनमें किसी तरह की ओवरक्लॉकिंग नहीं है। i3 6100, i3 7100 और i3 8100 को लिया गया है। यहाँ पर किसी तरीके की एक्स्ट्रा ट्विक नहीं है। तीनों सिस्टम बेंच में हार्डवेयर हमने सेम रखा हुआ है। बेंचमार्क हमने दो इसमें बांटे हुए हैं, एक है सिंथेटिक बेंचमार्क और दूसरा है गेमिंग बेंचमार्क। दोस्तों ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि आप प्रोडक्टिविटी काम करेंगे तो उसमें आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा और गेमिंग में कितना ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बेंचमार्क आपकी स्क्रीन पर ये रहे। बेंचमार्क देखने के बाद दोस्तों ये कॉमन सी बात थी कि आपको भी पता था और हमको भी पता था कि 8th generation का जो i3 है वो इजिली बीट कर देगा 7th generation और 6th generation को, क्योंकि हमें यहाँ पर सीधे सीधा दो फिजिकल कोर और दो थ्रेड को का डिफरेंस देखने को जो मिला है। दोस्तों डिफरेंस देखने के बाद अब आप भी चूज कर सकते हैं कि आपको 6th generation के साथ जाना चाहिए या 7th generation या 8th generation। दोस्तों 8th generation के साथ जाना थोड़ा कॉस्टली रहेगा, लेकिन कॉस्टली जरूर है लेकिन परफॉर्मेंस जब भी काफी ज्यादा देखने को मिले। दोस्तों अगर आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग लाने वाले हैं i5 के साथ सेम यही कंपैरिजन i5 6th generation वर्सेस 7th generation वर्सेस 8th generation, ताकि आपको उसमें भी परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने को मिल सके। दोस्तों अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे नए नए टेक्निकल वीडियोस। अंत तक देखने के लिए थैंक यू।